हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। चलिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आज हम कोकोपीट की, और बात कर लेते हैं कि कोकोपीट के क्या यूजेस हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं प्लांट्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पहले ही ओपन करके रख लिया था। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये मुझे 230 रुपीज की पड़ी है। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मुझे ऐसे ब्रिक फॉर्म में रिसीव हुई है और ये 650 ग्राम ईच है। यहाँ पर दो ब्रिक्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी दिखती है। अगर हम कोकोपीट का यूज अपने इंडोर प्लांट्स में करते हैं तो हमें प्लांट्स को रोज रोज पानी देने की नीड नहीं होगी। तो हमारे जो फ्रेंड्स वर्किंग है या जिनके पास समय की कमी है और वो प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उनके लिए कोकोपीट काफी यूजफुल है। मैं इसे पूरा एक्सपेंड करके आपको नहीं दिखाऊंगी। ये मैं इतना हिस्सा ही इसका आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ट्रे में ले लिया है और इसके ऊपर अब पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पानी को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और कितनी तेजी से एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको इसे पूरा एक्सपेंड करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इस बारिश के मौसम में इसे सुखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसे गीला ही रख लिया तो इसमें फंगस लग जाएगा जो मेरे प्लांट्स को बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आप सबको भी कहूंगी कि अगर आपको इसकी नीड है, आप पॉटी मिक्स बनाने जा रहे हैं, तो आप तुरंत ही इसे एक्सपेंड कीजिए और इसे धुलकर अच्छे से यूज कर लीजिए। इसे गीला ही मत छोड़ दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पानी पीते जा रहा है और फूलते जा रहा है। अभी पानी पीकर खूब मोटा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना थोड़ा सा हमने लिया था और ये कितना ज्यादा हो गया है। अब हम एक पतीले में पानी लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। इसे धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समुद्री पानी में बना होता है और वहां पर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, और अगर सोडियम हमारे प्लांट्स की पॉटी मिक्स में पहुंच जाएगा तो बाकी जो भी चीजें हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है या नाइट्रोजन है, उन सबको ये कम कर देगा। इसलिए हम ये इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी यूज करने के लिए तैयार है। देखिए फ्रेंड, हमने इसे यूजेबल तो बना लिया है। चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो फ्रेंड्स, आपने इसकी पानी की होल्डिंग कैपेसिटी तो देखी ही है, कितना अच्छे से ये पानी को होल्ड कर सकता है। तो अगर हम इसे अपने पॉटिंग मिक्स में मिलाते हैं तो हमें इवन गर्मियों में भी पौधों को पानी देने की बहुत कम जरूरत होती है, जिससे हमारे प्लांट गर्मियों में मरते नहीं है। और कुछ फ्रेंड हमारे जो रूफ गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो सॉइल उनके लिए काफी भारी मीडियम हो जाता है, तो वो कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से पॉट्स काफी हल्के हो जाते हैं, तो उन्हें इधर उधर ट्रांसफर करने में हमें दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात की अगर हम कोकोपीट का यूज अपनी पॉटिंग मिक्स में करते हैं तो इससे पॉट में एरेशन बनी रहती है, जिससे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनको फैलने का बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और वो अच्छे से ग्रो करती हैं। अगर प्लांट की जड़ें काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं तो प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। और अगर हमें कुछ बीजों को जर्मिनेट करना है, जैसे कि फ्लावरिंग सीड हो गए या वेजिटेबल सीड हो गए, वो कोकोपीट में बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं क्योंकि उनको इसमें मॉइस्चर मिलता रहता है। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कोकोपीट के बारे में जानकारी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।